हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम। तो स्वागत है एक नए वीडियो पे, नए एपिसोड में। रुको, वो रखा ना कैमरा। चलो निकल जाओ। हाँ, यहीं से बनती है। आ जाओ। कंट्रोल। तो आज का जो वीडियो होने जा रहा है, तो भाई ये है सीन। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आप लोग एपिसोड को इतना प्यार दे रहे हो। कर्नाटक वाले, कर्नाटक का जो शूट हुआ उसका एपिसोड नंबर 1 आ गया है। इस वीडियो के बाद एपिसोड नंबर 2 आ जाएगा। एक प्रोडक्ट का मैंने मंगा के रखा हुआ था, उसको लगा नहीं पा रहे थे। तो फाइनली अब जैसे कि आपको बताया कि भाई अब थोड़ी गर्मी थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है और भाई ट्रैवल करना है, और जैसे भी लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारे ट्रैवल व्लॉग्स, कर्नाटक व्लॉग्स को भी इतना प्यार मिला है, तो भाई अब मैं सोचा कि भाई अब ट्रैवल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं हमारी जीटी के लिए, जो कि मोटोटॉक कंपनी ने बनाया है। जैसे काफ़ी लोग मतलब इंटरसेप्टर और जीटी पावरफुल है ही, तो इससे टूरिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है। अभी जैसे उत्तराखंड राइड पे भी गया था और सारी चीज़ें, तो मोटोटॉक ने बनाया है, सैडल स्टे बनाया है और बैक कैरियर भी बनाया है। तो वो मैंने मंगाया था मोटोटॉक की तरफ से। तो उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बाकी सब बढ़िया, तब तक आप एक इंट्रो देखो। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आते हैं हम अपने सैडल स्टे के ऊपर। तो ये बॉक्स को हमने कुछ ओपन किया, मैंने बहुत पहले से ही बॉक्स ओपन कर लिया था तो इसलिए बॉक्स ओपन है। एक लेफ्ट, एक हमारा राइट साइड का, और आपको कुछ स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। फोकस। तो ये स्टिकर्स, इसको हम साइड में कर देते हैं। तो ये हमारे सैडल स्टे हो जाएंगे मोटोटॉक की तरफ से। तो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं भाई। ऑलराइट, तो ये हमको दो सैडल स्टे देखने को मिल जा रहे हैं जो कि हमारा कुछ ऐसे लगेंगे। ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी लगाया हुआ है इंडिकेटर्स, तो वहाँ पे ये नीचे और ये यहाँ से साइड पे जाएगा। तो ये दोनों चीज़, इसकी अगर हाथ में क्वालिटी देख रहे हैं तो भाई बहुत ही अच्छी लग रही है क्वालिटी। जैसे कि आपको यहाँ साइड से दिखाऊं तो यहाँ आपको दिख रहा है मोटोटॉक लिखा हुआ है और इसमें भी इंग्रेव्ड हुआ हुआ है मेटल में। अच्छी, बहुत ही अच्छा यूज़ हुआ है मटेरियल, स्टील क्वालिटी, और इवन पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। पाउडर कोटिंग हुई है ब्लैक, तो पेंट भी निकलने के अभी चांसेस नहीं है। तो ये दोनों साइड के हैं हमारे। प्राइसिंग आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। तो भाई यही चाहता था मैं काफ़ी दिनों से लगाना, क्योंकि अब भाई तुम्हारा कार्तिक भाई टूरिंग करेगा और बहुत ही जल्द अभी मैं सोच रहा हूँ निकलने के लिए कि मैं भीमकुंड है और एक मंदिर है बहुत ही अच्छा, खजुराहो मंदिर और बक्सर का जंगल, ये तीन चीज़ है ये अभी पास का मैं सोच रहा था। फिर लद्दाख तो भाई हम लोग जाएंगे। तो चलिए पहले इसको मैं इंस्टॉल करते हैं, तो देखते हैं। इंस्टॉलिंग करने का इजी प्रोसेस है। यहाँ आपको दोनों माउंट दिख जा रहा है, जो आपके यहाँ ग्रैब रेल्स लगा रहता है वहाँ पे ये फिट होगा, और जो ये चीज़ है ये आपके एग्जॉस्ट के पास फिट होगी। तो आपको पास से दिखाता हूँ। हाँ, तो भाई इंस्टॉल करने का प्रोसेस काफ़ी ईजी है। एक माउंट हमारा यहाँ पर लगेगा इस जगह पर, जो कि ये दिया हुआ है यहाँ पर ये चीज़, या जैसे कि आप देखेंगे तो इसमें दो जगह माउंट करने का, एक ये ऊपर साइड है और एक ये नीचे साइड है ना। तो इसको हम रखते हैं साइड पे। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको प्रोडक्ट। अब आपको पास से इसकी क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। तो भाई मोटोटॉक, यहाँ आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है मोटोटॉक की, और पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये दोनों माउंट हैं। तो फर्स्ट माउंट हमारा यहाँ लगेगा, तो सबसे पहले मुझे यार अपने इंडिकेटर्स को थोड़ा साइड करना पड़ेगा ताकि ये दो माउंट यहाँ पे लग जाएगा और उसी के साथ यहाँ पे एक माउंट लग जाएगा। तो ये हमारा कुछ देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ये यहाँ पे अभी तो 50 mm है, मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा। ये कुछ ऐसा एडजस्ट हो जाएगा जिससे आपके सैडल यहाँ पे स्टे हो जाएंगे। तो चलिए इसको फटाक से इंस्टॉल करते हैं। ऑलराइट, तो एक और प्रोडक्ट हमको लगाना है मोटोटॉक की तरफ से। तो हमने साइड पैनल के लिए हमने यहाँ पे खोल लिया है सैडल बैग्स के लिए, तो उसको लगाना था। बड़ी मुश्किल से ये वाला नट खुला यार, काफ़ी टाइम लगा उसके ऊपर थिनर पेट्रोल डाल के, तो उसको मैंने खोला। तो ये पीछे का हमको बैक सीट का भी रेस्ट हमको देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ ऐसा है। तो ये हमारा जहाँ ग्रैब रेल्स है वहाँ पर ये लगेगा, और उसके ऊपर ही हमारी ये प्लेट आएगी, तो इसके ऊपर हम अपना पीछे वाला बैग हम रख सकते हैं।
बैक रेस्ट, और इसमें बैक रेस्ट भी आता है। मैंने बैक रेस्ट वाला नहीं लिया है क्योंकि वैसे ही मैं सिंगल सीट चलाता हूँ। बाकी इसमें बैक रेस्ट का भी ऑप्शन है, उसका 900 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेगा। प्राइसिंग मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, और इसी के साथ आपको नट बोल्ट देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ यही है क्योंकि हमें लगे हाथ सैडल स्टे के साथ इसको भी हमको यहाँ पे नीचे अंदर यहाँ पे लगाना रहेगा ऐसे। तो एक साथ ही दोनों को लगा देंगे, फिर आपको सही करके दिखाता हूँ सेट करके, ठीक है। कट। तो फिर इसके ऊपर अब हम प्लेट लगा चुके हैं, और प्लेट के ऊपर हमको चार बोल्ट देती है मोटर टॉप। तो इसको टाइट करते हैं, करते करते काफ़ी आज लेट हो गए हैं, तो फटाफट इसको टाइट करते हैं और आपको टोटल ओवरव्यू दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो फिर अगर प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो जो सैडल स्टे हमारा है ये हमें पड़ रहा है 3200 रुपीज़ का, जो कि दोनों साइड रहेगा लेफ्ट एंड राइट। तो ये हमको 3200 रुपीज़ का पड़ रहा है, जो कि आपकी मोटोडॉक की वेबसाइट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जो हमारा पीछे का बैक कैरियर है ये हमें 2900 रुपीज़ का देखने को मिलेगा मोटोडॉक की वेबसाइट पे। और इसके ऊपर, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और इसके ऊपर जो बैक रेस्ट रहता है, बैक रेस्ट एडिशनल रहेगा, उसका आपको 900 रुपीज़ चार्ज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बैक रेस्ट नहीं मंगाया है क्योंकि भाई अपन तो सिंगल सीट ही चलाते हैं, और बाकी जो हमने सैडल बैग्स वगैरह मंगा लिया है तो फिर उसको इंस्टॉल करके एक वीडियो भी बनाएंगे। एंड कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि क्रैश गार्ड को लेके, कि क्रैश गार्ड कॉर्नर्स पे टच तो नहीं होता है। अभी तो लगभग मैंने एक महीने से ज़्यादा इसको यूज़ कर चुका है, और लगभग मैंने जितना भी कॉर्नरिंग किया है अभी तक तो कभी टच नहीं हुआ है, और आगे भी ना हो। तो इसलिए आप यस, अब जा सकते हैं इस लेग गार्ड के साथ, क्रैश गार्ड के साथ। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।